हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे जी। मेरा नाम है अनुपम आनंद और आप देख रहे हैं वो शो जहां आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। और हम लेकर आ गए हैं एपिसोड नंबर 4 जिसको आप देखोगे बार बार। खैर आप तो पढ़ते नहीं हो अखबार, तो हम लेकर आ गए हैं अपने विचार बॉलीवुड की। आज करेंगे हम तार तार। नमस्कार, हम हैं बंटी चौबे। हम आ गए हैं आज जुगू चौपाटी। सर क्या हुआ बे? चश्मा लगाइए, एकदम हीरो लगेंगे। अरे ये तो मिनियन बना दिए तुम हमको, दूसरा है तो दिखाओ बचाओ वाला समझ। ही वाला लगाइए और बड़ा हीरो लगेंगे। और एकदम टोनी मार्क दिख रहे हैं, क्या बोल रहे? एकदम सुपरस्टार लग रहे हैं सर। ठीक है ये वाला दे दो। चलो 100 रुपया। नहीं सर। क्या हुआ? 500। अरे चलिए 50 रुपया, चलिए निकलिए यहाँ से, लीजिए 50 रुपया, जाइए। अच्छा एक और बात है। क्या हो गया बताइए? सुपर स्टार तो लग ही रहे हैं, एक्टिंग कार्ड बनवाइएगा। कहे ना एक्टिंग कार्ड क्या होता है? सर फिल्म सिटी देखने मिलेगा। अच्छा उधर काम करने मिलेगा? उसका गारंटी नहीं है सर। 10,000 में बन जाएगा खाली। 10,000 में? उससे फिर हमको चुतिया ही हमको समझ में आ गया, लेकिन बिहारी है हम, 10,000 में? तो ये बोलिए ना बिहारी है। चलिए निकलिए यहाँ से। नमस्कार, हमें बंटी चौबे, संवाददाता चौबे टीवी के लिए, और हम आज लेकर आ गए हैं आपको बम्बई नगर या बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच में। इसका इधर जरूरत पड़ता है, जब से ही बिहारी लोगों को पेलना स्टार्ट किए हैं ना तब से इधर लेके आना पड़ता है। लेकिन आज हम घुसेंगे पपराजी बन के बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा विचित्र लोगों का लाइफ स्टाइल देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डीच के आओ, पीट के साथ ताली मारो, गाने में दारू डालो, बारटेंडर का स्वैग दिखा के 4-5 हॉट लड़की चिपका दो। आज रिपोर्टिंग छोड़ के गन लेके नहीं आना चाहिए। आज रिपोर्टिंग छोड़ के हम आ गए पापाराजी बनने के लिए, फोटो लेने के लिए। जो कि नंगा नंगा कपड़ा पहन के घूमते रहता है सब, उसका फोटो उतारना पड़ेगा, फोटो बेचना पड़ता है हमको। ई वाला काम पापाराजी लोग करता है, बुलाता भी यही लोग है, अब फिर पापाराजी को गाली भी यही लोग देता है। यह विचित्र प्राणी है बताइए। हाय दैया मार डाला रे, हाय दैया मार डाला रे। सुबह से शाम हो गया, विचित्र प्राणी लोग का फोटो लेते लेते ही समझ में आ गया कि इन लोग का हर टाइम फोटो लेना है, चाहे ये लोग लेटरिंग कर रहा हो, चाहे पाद मार रहा हो, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे अपना बबुआ लोग को हॉस्पिटल से घर लेके आ रहा हो, हर चीज का फोटो और न्यूज आर्टिकल जरूर छपना चाहिए, कितनों पैसा लग जाए। पैसा लगने का भी जरूरत नहीं है, ये मीडिया वाला जरूर छापेगा, इनको भी हगना है। एक मिनट रुको यार, मेरे को सब्जी लेने दो, पत्ता गोभी दे दो, एक बड़ा वाला उठा लो, एक लौकी दे दो, बैंगन दे दो, गोभी दे दो, भिंडी दे दो। आज ही पापाराजी का काम करते करते हमको बीमल अवार्ड में जाने का मौका मिल गया। इधर ही बॉलीवुड प्रजाति पाया जाता है अवार्ड लेते हुए, खुदे पैसा देगा, खुदे नाचेगा, खुदे अवार्ड लेगा, खुदे को थैंक यू बोल देगा, खुदे का फैमिली लोग को थैंक यू बोल देगा, ऑडियंस। आज जब मूवी फ्लॉप हो गया जिसके लिए अवार्ड नहीं मिला, उसके लिए बोलेगा ऑडियंस, ले 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 सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। विचित्र प्राणी जो है सोशल मीडिया पे भी छाए रहने के लिए बहुत कुछ करता है। एक्टिंग छोड़ दीजिए, वो करना तो जरूरी है नहीं, बाकी सब टैलेंट बहुत जरूरी है। जैसे देखिए ये लोग का टैलेंट। ओके ओके बस 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 थैंक यू। आई कैन डू अ प्रॉपर बार्क आल्सो, हैव यू सीन? ओके एगो वायरल बिरयानी वाला पकड़ाया पापाराजी, वो हमको बता रहा था कि जो कंट्रोवर्सी करता है बॉलीवुड पर जाति वाला सब, अपने में कोलैबोरेशन करके करता है। इन लोग का लव स्टोरी भी कोलैबोरेशन होता है। आजकल इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेट कीजिए, प्यार मोहब्बत कीजिए, लड़ाई लहसुन कीजिए और फिर मूवी बनाइए, लोग तो बात करेंगे। बहुत मजेदार बात है। लेकिन ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ, तो प्लीज बॉयकॉट करते ना, ना हमारे पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट। अला अपन को समझ में अला बीड़ू सुबह से घूमते घूमते कि ये जो बॉलीवुड के विचित्र प्राणी लोग हैं ना, इधर के भगवान हैं। हाँ जी, तो बंटी चौबे का ये रिपोर्ट था।
आज के लिए विचित्र प्राणी बॉलीवुड वालों के ऊपर ये लोग ट्रेंड सेट करता है, इसीलिए आज का भगवान माना जाता है। ये लोग बलवा ऐसे करेगा तो आप भी ऐसे कीजिएगा, ये लोग चूतड़ ऐसे करेगा तो आप भी चूतड़ ऐसे करिएगा, ये लोग हाथ उठा के ऐसे करेगा तो आप भी ऐसे करिएगा। इसी बात पे हमको इजाजत दीजिए। हमारा कैमरामैन आदित्य कुमार चौबे के साथ हम बंटी चौबे, ग्राम बक्सर, चौबे टीवी, नमस्कार। Now I already know that my audience is very smart. You already know कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, but the question mark is why boycott Bollywood? इसकी रियलिटी क्या है, बॉयकॉट क्या है, ये क्यों करना है, क्यों करना चाह रहे हैं लोग और क्यों करवा रहे हैं लोग? बॉयकॉट हो भी सकता है बॉलीवुड या नहीं हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे, द रियलिटी ऑफ बॉयकॉटिंग बॉलीवुड। दशकों से ये बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड के सदस्य आपको कंटेंट पे कंटेंट दिए जा रहे हैं। कभी आप घर पे उसका मनोरंजन ले रहे थे, कभी आप थिएटर में अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसका मनोरंजन ले रहे थे, और आज भी मोबाइल में छोटे वर्जन में आप उसका मनोरंजन ले रहे हो, उस कंटेंट को एंजॉय कर रहे हो, उसका एंटरटेनमेंट ले रहे हो। बट हर कंटेंट के पीछे एक आइडियोलॉजी, मैसेज या एक मोरल जरूर होता है, और हम सब नादान परिंदे इन सारे बॉलीवुड मूवीज को देखकर कुछ न कुछ जरूर सीख रहे होते हैं, और यही बात आती है बॉयकॉट। लेट्स हैव अ रिविजन ऑन द कंटेंट एंड द आइडियोलॉजीज विच दे हैड, द बॉलीवुड हैड। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, वी हैड पीपल हु वर टॉकिंग अबाउट एकता, यूनिटी, and we have had people like Rajesh Khanna, Devanand, जो कि flirtiness दे रहे थे, अमिताभ बच्चन rebellion दे रहे थे, शाहरुख खान आए तो एक struggling image लेकर आए, we had सलमान खान जो कि strong personality, एक बिगड़ा हुआ लड़का image लेकर आए, गोविंदा जो कि इतना अच्छा dance करते हैं, सीना तमान और नरगिस, they started an era of actresses जो कि acting कर सकती हैं, we have had actresses like ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित जो कि सब अच्छा करती हैं, dance भी है। एक एरा था जहां हम सीख रहे थे इनसे लाइफस्टाइल, आइडियोलॉजी और कैसे अच्छा बनना है, मजेदार बनना है, एंटरटेनिंग बनना है, फ्लर्ट करना है या फिर एंगर दिखाना है या फिर जानी, समझ में आई बात? देखो 2000 जमाना आ गया। ओके, टीवी आ गया था हर किसी के घर में 2000 में, और चैनल्स, बड़े बड़े मूवी चैनल्स, अलग अलग मूवी चैनल्स में हर मूवी दिखाए जा रहे हैं, कितने सारे दिखाए जा रहे हैं, इतना कंटेंट आ गया कि मतलब किसको देखे हैं, और तो और ग्रीक गॉड आगे 6 पैक लेके, 8 पैक लेके आ गया, 16 पैक लेके, इतना लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा दिया 2000 में, एक्चुअली कॉपी करके हॉलीवुड का हर मूवी या हर कंटेंट वहाँ का कॉपी था, क्योंकि इनके पास अपना कंटेंट खत्म। अब 2000 दे क्या, इतने लोग टीवी देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं, हर मूवी देख रहे हैं, अब इनको परोसे तो परोसे क्या, कॉपी करते हैं, ओ धूम देते हैं, या फिर देयर आर मल्टीपल मूवीज व्हिच वे कॉपीड और पेस्टेड, म्यूजिक आल्सो एट द सेम टाइम। नाउ कम्स द लेटेस्ट एरा, द इंटरनेट एरा, जहां आ गया यूट्यूब और ओटीटी और रील जनरेशन। नाउ देयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। बॉलीवुड, a beautiful world, a beautiful dreamy world which sounds very similar to Hollywood, copy paste hi hai, a basically hood of people, a wood of people coming together and bringing you movies, entertainment and a lot of drama. Azadi se pehle bhi movies banti thi ya fir theater mein play hote the, wo bhi Ramayan ya fir kisi lok katha par. Azadi ke baad movies aaye aur lekar aaye deshbhakti, azadi, नारी शक्ति, बहुत सारी मूवीज आई और वी स्टिल वे वॉचिंग एज एन एंटरटेनमेंट। देश और इंसान कदम कदम बढ़ाते बढ़ाते साथ इतने आगे बढ़ते गए कि एंग्री यंग मैन भी बन गए, एक लवर बॉय भी बन गए, एक फ्लर्ट बॉय भी बन गए, और एक अलग मैसेज एक मीडियवल एरा में आने लगा जो कि हमारे लिए मीडियवल है, इन दीज मूवीज द 70s, 80s, वेयर वी सॉ द अमिताभ बच्चन राइज, राजेश खन्ना, एंड वी हैड अ मैसेज दैट इंडिविजुअली यू कैन ग्रो, यू कैन बिकम लाइक दिस, यू कैन बिकम लाइक दिस, एवरीथिंग इज ओके, एंड इंडिया इज मच मोर
cooler now. Then we had the never-ending era of Dawn. Middle age, I mean, before the 2000s, 80s or 90s, mein aapne Dawn ki picture, angry young man, हम उस्ताद हैं, हम तुमको पे लेंगे, वहां स्टार्ट हुई एक मैनहुड की जर्नी. जैसे इंडिया मजबूत होने लगा, उसी तरह मूवीज भी मजबूती और एंग्रीनेस या फिर एटीट्यूड दिखाने लगी. तो ये डॉन कल्चर या गुंडा कल्चर काफी फैला और देश की जनता या फिर युवा कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट होने लगी. तो बॉलीवुड ने डिसाइड किया, चलो इसको बॉयकॉट करते हैं, कुछ नया लाते हैं. और हमने दिया एक स्ट्रगलर, एक नया ब्रांड, द बेस्ट ब्रांड, द किंग ऑफ ब्रांड्स, शाहरुख खान. एंड दैट्स व्हाट नेशन वांटेड, अ गुड बॉय, अ स्ट्रगलिंग बॉय. एंड दैट्स हाउ नेशन विल आल्सो ग्रो. हमारे बाप दादाओं ने अच्छा कंटेंट, अच्छा आइडियोलॉजी देखा तो हमें भी बोला देखो अच्छी चीज है, मूवी देखना अच्छी चीज है. हमने भी अच्छी अच्छी मूवीज देखी, अच्छा कंटेंट देखा, स्ट्रगलिंग एक्टर्स देखे और ये भी देखा कि हम भी अपना नाम बना सकते हैं. यहाँ तक कि अभी तक बहुत अच्छे एक्टर्स जो कि छोटे शहरों से आते हैं, अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, घरेलू कहानियां लेकर आते हैं, वो भी चल रहे हैं. लेकिन यहाँ जो नए वाले आए हैं 2000 के बाद वाले बच्चे, इनको दिख रहा है वरुण धवन. ऑब्वियसली देयर इज अ जनरेशन गैप. वी डोंट लाइक व्हाट ही इज ब्रिंगिंग. अगेन ही इज ब्रिंगिंग गोविंद बैक इन द एक्शन. लाइक व्हाई, कुछ अपना कर लो. जैसे आपने किया अच्छा, सराहा गया. कॉपी कैट करना बंद करो. हम उस जनरेशन से हैं जितने बहुत कॉपी कैट देख लिया. हमने आखिरकार जान गए कि हम हॉलीवुड नाम की भी चीज है और द बॉयज दे डू एग्जिस्ट. सो द 2000, द जनरेशन, न्यू जनरेशन आफ्टर 2000, दे आर द रियल जनरेशन. दे लाइक शॉर्ट वीडियोज, छोटा छोटा एंटरटेनमेंट, उसमें खुश रहते ये लोग. They don't have time also. मतलब जीबी भी नहीं है ना उनके पास, पैसे नहीं है. पैसे तो 80s और 90s वालों के पास है, टाइम भी है देखने का, मूवीज जज करने का. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट यही पॉइंट है. Why boycott Bollywood? अब रीजन समझते हैं बिट्स एंड पीसेस में. हमारे बाप दादाओं ने और हमने ऐसे ऐसे एक्टर्स देखे जो कि हमें बहुत एक्टिंग सिखा कर गए और ये आज के बालक एक्टिंग छोड़कर हर पक चोरी कर रहे हैं. टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है. एकदम कड़क मां. गरम चाय की प्याली हो. हम ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स का जादू देखते आ रहे थे जैसे कि श्याम बेनेगल, महबूब खान, मणि रत्नम, यश चोपड़ा. और अब हम क्या देख रहे हैं? जादू है ये. You're listening to All India Radio and the writers are Anand Bakshi, Gulzar Sahab, Javed Akhtar Sahab. The singers are Mohammad Rafi, Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam, KK. And now you're listening to this, A Fellow Dancing. हम दीवाने हुए जा रहे थे शमी कपूर के डांस पर, सरोज खान, फारा खान के कोरियोग्राफी पर. ऐसे ऐसे मास्टरपीस बनाए इन्होंने. बॉलीवुड में पहला वन टेक सीन वाज कोरियोग्राफ्ड बाय फारा खान. ये लोग टैलेंटेड थे और ये लोग हंसाने गुदगुदाने का डिपार्टमेंट ले रखा था महमूद साहब ने, असरानी ने, जगदीप साहब ने. हमें मिले जॉनी लीवर, कादर खान, राजपाल यादव, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा तक. स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कॉमेडी ये लोग करना जान रहे थे. फिर हमारे पास मिले ये जो कि हॉलीवुड में जाके टट्टी मुंह से निकाल रहे. आई कम फ्रॉम टू इंडियाज. अबे तू थोड़ा सा बहन का लोटा क्या? तो ये थे कुछ रीजंस, बिट्स एंड पीसेस. अगर मैं कहूं कि पूरा ठेला भर का सब्जी है उसमें से ये सिर्फ धनिया था, एज अ रीजन व्हाई बॉयकॉट बॉलीवुड. देश को जो जब चाहिए था मूवीज या बॉलीवुड ने उस टाइम पर दिया, लोगों ने वही देखा, वही सीखा और वही आगे बढ़ा. तो देश इवॉल्व हुआ, लोग इवॉल्व हुए, मूवी देखने का ट्रेंड इवॉल्व हुआ. इवोल्यूशन होते आ रहा है, होते आएगा. And that's why now there is a question mark कि अब
यहां से कौन इंस्पायर करेगा हमें? And now do you understand where the content is missing? Now who will give you the right masala, entertainment, knowledge, struggle story, the branding, the marketing, the singing, the dancing? हर कोई कैसे दे सकता है? हर कुछ मैं खुद फंबल कर जाता हूं. सो बेसिकली ह्यूमंस इवॉल्व्ड. वो पहले थिएटर देख रहे थे, वहां ताली बजा रहे थे, अब मोबाइल पे ताली भी नहीं बजा रहे, रील्स तक देख रहे हैं, एक एक मिनट का वीडियो देख रहे हैं. कहां 3 घंटे की वीडियोस और कहां 1 मिनट में एंटरटेनमेंट. और चोरी दिख रही है ना यहाँ पे भी. तो आप घर बैठ के एक रील देख के खुश हो जा रहे हो, तो मूवी देखने कौन जाएगा 3 घंटे का? करो इसको बॉयकॉट. क्या कंटेंट में रखा है इसके? सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. वी डोंट हैव टाइम एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू बिल्ड द कंटेंट और टू अट्रैक्ट यू. क्योंकि हमें सच दिख रहा है हर जगह. As in, हम अब जज करने लगे हैं, एक एक वीडियो को जज करने लगे हैं कि ये सच है या झूठ है, इसका एडिटिंग सही है कि नहीं है. अरे आप वीडियो देखो यार, मजे लो, एंटरटेनमेंट लो. उसका पास्ट में क्या है, उसका हिस्ट्री में क्या, ज्योग्राफी में क्या रखा है एक्टर की, या फिर नॉट जस्ट एक्टर, द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड द स्मॉलेस्ट पीपल जो कि उस मूवी में इन्वॉल्व है या फिर सीरीज में इन्वॉल्व है, उनको तो अप्रिशिएट कर लो. हाँ, खराब है तो गाली जरूर दो, बॉयकॉट भी कर दो. अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप मत देखो. लेकिन ये बॉयकॉट कल्चर फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है. हाँ, बॉलीवुड को समझ में आ जाना चाहिए दैट दे हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू और बिल्ड अ बेटर कंटेंट. तो आपको, मुझे और इन बॉलीवुड वालों को ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि क्रिटिक्स के नाम पे, सेल्फ ओपिनियनेटेड लोगों के नाम पे अपनी अपनी गाथा और कथा हकते रहते हैं, लिखते रहते हैं कि इनको बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं. ऐसे ऐसे रीजंस बॉलीवुड वाले ड्रग्स लेते हैं भाई. बॉलीवुड वाले अपने ही बच्चा लोग को लॉन्च करते रहता है. बॉलीवुड वाला बाहर से जो आता है ना उसको पेल लेता है सब. बॉलीवुड वाला ना पागल है भाई. आपका घर भी ऐसे ही चलता है, इन्हीं से चल रहा है. इन क्रिटिक्स का घर भी इन्हीं से चल रहा है, इन्हीं को गाली दे रहे हैं. बेसिकली हम और आप बॉलीवुड को बॉयकॉट नहीं कर सकते. दे गिव अस अ विजन, अ लाइफस्टाइल, मे बी समथिंग टू लुक अपॉन एंड मे बी अ फ्यू होप, स्माइल्स एंड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. सॉल्यूशन के नाम पे एज अ कोलैबोरेशन नॉर्थ से ईस्ट, लैंग्वेज से लैंग्वेज, हर कंटेंट को लेके आना. ले तो आए हैं बॉलीवुड वाले, लेकिन ये काम करेगा या नहीं करेगा ये तो भाई भगवान जानता है. बिकॉज अगेन देयर इज अ ईगो इशू इन बॉलीवुड. यस, दैट एग्जिस्ट. लेकिन हम और आप उस बारे में आज बात नहीं करेंगे. आवर टॉपिक वॉज टू डिस्कस व्हाई बॉयकॉट बॉलीवुड. तो हमने रीजन दे दिया, हम नहीं कर रहे हैं बॉयकॉट आपको. आप बस अच्छा एक्टिंग कर लो, अच्छा गाना गा लो, अच्छा डायरेक्शन कर लो, अच्छा लिरिक्स लिख दो. झूठ मत देना बस, फालतू की बकचोदियां ना फैलाओ. रेस्पेक्ट द टैलेंट विच यू हैव और विच यू गेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच फैमिली दे कम फ्रॉम और विच बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड. प्लीज गो अहेड एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वन. All right. धक धक करने लगा मेरा जियरा, डरने लगा सैया सैया बोलना कच्ची गलिया. ये बीच नमस्कार. अरे टूट जाएगा, ये टूट गया. नमस्कार, हमें बंटी चौबे, हमारा नाम है बंटी चौबे. ये काफ़ी है हमारा चौबे खानदान का. एक नली ये गन काफ़ी है. 2 नली के लाइसेंस लेना पड़ता है. 1 नली का गन बहुत अंदर तक जाता है. अब क्या करना है? अभी एक्टिंग ये देख रहे हो. चलिए शुरू करें. सर एक और बात था. अब क्या हो गया? एक एक्टिंग स्कूल. अरे
इमरान हाशमी को देखने से लगता है कि कॉन्फिडेंट, देखने से लगता है कि एक्टर है, क्लास है, वो स्ट्रगलर नहीं है वो एक्टर है बस, हमें वही चाहिए। इसीलिए इमरान हाशमी हमारे लिए लॉर्ड है, आज भी मूवी बने हम देखेंगे, ठीक है, भले वो नेपोटिज्म से आ रहा है लेकिन मूवी तो अच्छा बना रहा है। हेलो, हाय 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 एंड वेलकम। रूप सुहाना लगता है, चैन सुहाना लगता है, गान सुहाना लगता है। हेलो अमिताभ बच्चन ही बन के छोड़ दिया, वो समझ में आया कि नहीं करता, वो मेरे से नहीं होगा, ही न्यू कि ऑलरेडी इतना सारा बकचोदी कर देख लिया दुनिया का, अमिताभ बोलेगा अरे भाई जया जी आप संभालिए, सांसद हमसे ना होगा, छोड़िए हम केबीसी का कुर्सी संभाल लेंगे, वही काफी है। हेलो, हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद शोभा जी। नहीं फिर से करेंगे, कैमरा लोलिंग, लाइट जली, गण मस्ती गण मस्ती। इसमें या हर छोटे डॉक्यूमेंट्री में, हर थिएटर में, हर रोमांच में एक मैसेज होता है, रंगमंच में ब्लडी बुलशिट कि हम डॉन है, हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। क्या बकचोदी कर रहा है, मारो गोली इसको, मैं भी रिजेक्ट हुआ, देखते हैं बनेंगे कि नहीं, हम टॉप बच्चों कट करो। बट हाँ, शाहरुख के स्ट्रगलिंग वाले इमेज से ना छोटे छोटे शहर वाले लड़कों को जैसे मुझे सपने देखने के लिए हिम्मत मिली। क्या कनेक्ट कर रहा है क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं? अब अगर आप समझदार हो तो यू कैन रिलेट एवरीथिंग आई स्पोक, बट इफ यू नॉट आई एक्सप्लेन इट टू यू। आई रिलेट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अटैक हो जाएगा, भाग जाएगा सब बंद करके, ये मत बुलवाओ मेरे से। चाहूं सोना चांदी, न चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के नहीं। अब यही है, न चाहूं सोना चांदी था, अब चाहूं सोना चांदी, ये मेरे सब काम के, आइडियोलॉजी यही है। हमारे बाप दादाओं ने देखा है महेंद्र सिंह धोनी को, और आप दे रहे हो ऋषभ पंत, तो चुदोगे ना हमसे गाली खाओगे फिर। कट। अर्जुन कपूर 12वीं फेल, भाई तू वो चुप रहे, कभी लोग लाइट लेते हैं कि साला खाली हंसने बैठती है, अर्चना का भी हिस्ट्री है भाई, नंबर वन मॉडल रही है, एंकर रही है अर्चना, मतलब अर्चना पूरन सिंह वाज वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स इंडिया हैड एवर हैड। अरे जो बच्चे आ रहे हैं वही सीखेंगे रील बनाना, एक मिनट का ऐसे ऐसे डांस करके। सुरन हम तुम्हें आंखों से खा जाएंगे, बॉयकट करो बॉयकट करो। जो जो सिनेमा देखता है बर्बाद होता है। ये तो बच्चा बच्चा पे डिपेंड करता है ना कि मूवी देख के सीखता क्या है, वो भी बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा कहाँ से ग्रो करके आ रहा है, तो मूवी देख के क्या सीखेगा। मूवी में तो बहुत चीज दिखा रहा है। मनोज तिवारी गए वहां क्या करने गए, दिल्ली का कुर्सी लेना है उनको। अरे आपके सामने आईआईटीएन खड़ा है भाई, अब मनोज तिवारी हैं आप, आपको लाइटली नहीं लेगा कोई, मतलब सीरियस नहीं लेगा कोई। अब अगर खुश नहीं हो एक्टिंग करके कैमरा के सामने भी, तो फिर तुम साला एक्टिंग में कर पाओगे? रणवीर सिंह खुश क्या है, क्या कि उसको जिंदगी बच, उसको झांट भर जब इतना सा तब उसको एक्टिंग करना था, उसको एक्टिंग करना ही था जिंदगी, तो पढ़ाई लिखाई माँ चुका है, हमको एक्टर बनना है। रणवीर सिंह का क्लियर था दिमाग में, जहाँ क्लैरिटी नहीं रहेगा वहाँ दिक्कत रहेगा। बात यह है कि हम गाँव से निकले, अपने पापा मम्मी के पैसे पर पढ़ाई किए, अपने पापा मम्मी के पैसे पर जिंदगी जिए, और उसी पर शादी करके उसी घर में रह रहे हैं, तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेसफुल पर्सन इज शाहरुख खान, दैट ही गॉट हिज इंटेलिजेंस एंड ऑल द गुड डीएनए फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ही केम टू बॉम्बे एंड ही मेड श्योर दैट ही रूल्स द कंट्री। कोई और फलाना रिलेटिव आके नहीं बोलेगा आपको, आपके दोस्त आके नहीं बोलेंगे आपको कि भाई बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है,
बहुत अच्छा शो बना रहा है भाई, बहुत मेहनत कर रहा है भाई, वो आएंगे तब भाई, अरे तू तो फेमस हो गया ना, तू तो एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा अरे यार वो बेचारे क्या जिंदगी जी रहे हैं, इनको पता तक नहीं है। दे आर आर्टिस्ट, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। वाई स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अभी भी अपने टैलेंटेड पे क्वेश्चन मार्क लेके चल रहे हो कि मेरा टैलेंट ठीक है ना सर, फीडबैक दे दो। कट कर दो इसको, कट करो, कट 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 शिट कट 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 इसको कट भी कर दो, वेट कट कर दो, छोटा कर दो, कट कट